आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी। मैं हूं किरण इरशाद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया के अहकाम पर अमल करते हुए और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर पीरियाज अहमद की जेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन एक्टिविटीज का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं फुरकान सईद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया के अहकाम पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर पी रियाज अहमद की जेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तलबा को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतालिक लेक्चर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मोक आगाही मुहिम को पेश नज़र रखते हुए तलबा को हादसा से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं। इसी हवाले से गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साहिवाल में तलबा को लेक्चर देते हुए इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन एंड रोड सेफ्टी विंग आमिर शहजाद चीमा ने कहा कि कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग हादसा की बहुत बड़ी वजह है, लिहाजा जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता, तब तक ड्राइविंग ना की जाए, और जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनवा कर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करें। इसके अलावा हेलमेट, सीट बेल्ट, साइड व्यू मिरर्स, इंडिकेटर की अहमियत के बारे में भी मुफसल बताया गया। तलबा को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल से मना किया गया। लाइन और लाइन की पाबंदी को महलूज खातर रखते हुए ड्राइविंग करने की हदायत दी। स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताते हुए कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए मुजर है, जिससे खासकर सांस और गले और फेफड़ों की बीमारियां जन्म लेती हैं, लिहाजा दौरान स्मोक गैर जरूरी सफर से एहतजनाब करें और अपनी गाड़ी को बैक साइड पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लाजमी लगवाएं। ऐसे औकात में फोक लाइट, चश्मा और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी